वेलकम टू माई चैनल। मुझको बहुत बार पूछा जाता है कि आप कौन सी स्ट्रेटनिंग यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैं फिलिप्स के कैरेटिन शाइन वाली स्ट्रेटनिंग की यूज़ करती हूँ, पर मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अच्छे से करने के लिए मैं स्ट्रेटनिंग यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मेरे को पूछा जाता है कि आप अफोर्डेबल बता दीजिए, तो मैं आज आपके लिए अफोर्डेबल हेयर स्ट्रेटनिंग लेके आई हूँ, जो है आपकी नोवा की, जो मैंने बाय करी है मंत्रा से, जो मुझको मिली है 672 में। लेकिन आप इसको अनदर ब्रांड जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, इस पर आपको ये 400 या 500 के अराउंड में बहुत ईजीली मिल सकती है। मैंने सर्च नहीं किया, मुझे मंत्रा पे अच्छा लगा तो मैंने इसको बाय कर लिया। तो मुझको इसका यही अच्छी बात लगी कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स में मिली है ऐसे। ये इतनी छोटी भी नहीं है कि आपको ये मिनी स्ट्रेटनिंग लगे, इसका अच्छा खासा साइज है। लेकिन ये है कि इसके जो प्लेट्स हैं ये बहुत 1.8 के अराउंड में हैं, ये चौड़ी नहीं है इतनी कि आप जल्दी जल्दी करें। इसको दो पर्पज़ से बनाया गया है, इसके आप कर्ल्स भी कर सकते हैं और इसकी स्ट्रेटनिंग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें टेम्परेचर मिल जाएगा, यहाँ से आपको ऑन ऑफ करना है। इसमें आपको कोई पता नहीं रखा कि इसमें हीटिंग कंट्रोल करने का है कि थोड़ा लो हाई, ऐसे नहीं है, बस इसको ऑन ऑफ का इसमें बटन आपको दे रखा है। आपके इसमें आपको ये 30 सेकेंड या 60 सेकेंड के अराउंड में बहुत ही जल्दी फास्ट गर्म हो जाता है, तो आपको ये नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा कि थोड़ी सी जल्दी हो जाए, तो ये इतनी जल्दी आपको हीटिंग दे सकता है। इसके बॉक्स पे आपको डिटेल अच्छे से मेंशन है, ये फास्ट रेडी है, 30 डिग्री ये सेल्सियस का है, 220 सेल्सियस के ये इसकी हीटिंग पावर है, जो बहुत सही है, आपके बालों को डैमेज नहीं करती। और इसमें कैरमिक प्लेट है जो इसकी है, जो आपके बालों को सेफ रखती है। वैसे तो मैंने देखा है कि जो दूसरे अनदर ब्रांड की होती है, हमारे पास एक दूसरी कंपनी की थी स्ट्रेटनिंग, तो उसमें बाल फंसते थे यहाँ कॉर्नर पे, आप ऐसे मारते हैं अपने बालों में तो वो बाल आपके फंसने लग जाते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसमें देखिए आपको इसमें कोई भी बाल आपका इसमें फंसेगा नहीं, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की तरह ये आपके बालों को स्ट्रेट कर देगा। नैनो सिल्वर इसमें आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। मैंने जो अभी स्ट्रेटनिंग कर रखी है वो मैंने इसी मशीन से करी है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मैं आपको इसको स्ट्रेटनिंग करके दिखा देती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग है जो आपके बालों को वन टाइम में ही स्ट्रेट कर देगी, आपको बहुत ज़्यादा बाल अपने बालों में मारना नहीं पड़ेगा, तो आपके बाल ख़राब होने का डर नहीं है कि आपको बार बार अपने बालों में स्ट्रेटनिंग मारते रहना है। आप वन टाइम मारेंगे आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। मैं आपको स्ट्रेटनिंग के अबाउट में थोड़ी सी एडवाइस दूंगी, आप जब भी अपनी स्ट्रेटनिंग करते हैं आप कॉम्ब का यूज़ कीजिए। बहुत सी गर्ल्स होती हैं स्ट्रेटनिंग के लिए अपने हैंड का यूज़ करती हैं डायरेक्ट ऐसे करके, ऐसे जो रॉन्ग होता है वो आपके बालों को बहुत जल्दी फास्टली स्ट्रेट नहीं कर पाता। आपको जब भी कॉम अपना स्ट्रेटनिंग करनी है आपको कॉम अपने साथ रखना है, आपको अपने कॉम हेयर में फंसाने हैं एंड देन आपको अपने स्ट्रेटनिंग यूज़ करनी है, ताकि आपके बाल जितने क्लीनली स्ट्रेट होंगे वो उतनी जल्दी फास्ट आपके स्ट्रेट कर देगा। सी ये आप कॉम यूज़ करेंगे तो आपके बाल परफेक्टली स्ट्रेट होंगे, आप देख सकते हैं। आपको अपने बालों में सिर्फ कॉम ऐड करना है एंड देन आपको अपने स्ट्रेटनिंग यूज़ करनी है, और आपको कॉम के साथ साथ अपनी स्ट्रेटनिंग को नीचे तक लेके जाना है। जिससे आपके बाल परफेक्टली स्ट्रेट होंगे, आप हमेशा ऐसे यूज़ करते हैं जल्दी जल्दी में, जिससे आप अपने बाल बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं कर पाते, तो ये आपका बेस्ट तरीका है अपने बाल स्ट्रेट करने का। अब मैं आपको इससे कर्ल्स बना के दिखाती हूँ कि आप इससे कितने प्यारे कर्ल्स बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको अपने बालों को बस ऐसे लेना है,
आपको अपने बालों के स्ट्रेटनर के पूरे को अराउंड लेके जाना है और बीच में से निकाल के आपको बस इसको डाउन लेके जाना है। आप देखेंगे ये कितने प्यारे कर्ल्स बने हैं। तो यही आप कर्ल्स अपने पूरे बालों में कर लीजिए। आप थोड़े थोड़े सेक्शन लीजिए अपने बालों का। आप ऊपर से भी कर सकते हैं और आप नीचे से भी अपने बालों को पूरा अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको पूरे बालों को कवर करते हुए कर्ल्स करते हैं तो आपको इसको स्ट्रेटनिंग को ऐसे रखना है और इसको ऐसे घुमा दीजिए। आपको केयरफुली करना है क्योंकि ये स्ट्रेटनिंग कहीं से भी आपको पकड़ नहीं सकते। ये पूरी स्ट्रेटनिंग आपकी हीटेड हो जाती है। आप देख सकते हैं ये डिफरेंट कर्ल है और ये डिफरेंट कर्ल्स है। आपको बस इसे बनाने का तरीका आना चाहिए। आप इसे अलग अलग स्टाइल के बना सकते हैं। मुझे सॉफ्ट कर्ल पसंद है इसलिए मैं ये वाले कर्ल्स यूज़ करती हूँ। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको कर्ल्स मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी में ही आप इससे कर्ल्स कर सकते हैं और आप इससे स्ट्रेट कर सकते हैं बाल। आप देख सकते हैं कितने प्यारे कर्ल्स बने हैं। आप बस थोड़ा थोड़ा सेक्शन लीजिए अपने बालों का और आप कर्ल्स बना लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप है। मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। आपको अपने बाल स्ट्रेटनिंग ऐसे रखनी है। आपको स्ट्रेटनिंग अराउंड में लेके जाना है और बीच में से इसको निकालते हुए आगे लेके जाना है और बस आपको इसको डाउन लेके जाना है। आपकी कोई भी स्ट्रेटनिंग मशीन है आप उस पर ट्राई करके देख लीजिए। आपके कर्ल्स बहुत ही प्यारे बनेंगे। आप किसी पार्टी फंक्शन कहीं पर भी जाएंगे आपको बहुत ही कम टाइम में आपका हेयर स्टाइल रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो अपने इस कर्ल्स मशीन को पूरा ही राउंड में अपने बाल ले सकते हैं ऐसे,
क्योंकि आपकी पूरी मशीन हीटअप होती है ऊपर अंदर से बाहर तक, जो आपके कर्ल्स के काम आती है। सी आप देख सकते हैं इससे मैंने कितने प्यारे कर्ल्स बनाए हैं। जो आपको इसी मशीन से बन सकते हैं, आप इससे स्ट्रेटनिंग भी आपने देख ली कि मैं इससे स्ट्रेटनिंग कैसे हो रखी है, और अब मैंने आपको कर्ल्स भी दिखा दिए। अब मैं अपने पूरे बालों में कर्ल्स करके आपको दिखाती हूँ। आपने जब भी कर्ल्स करने होते हैं आप अपने बालों को हाफ हाफ करके ही करें। आप पहले अपने ऊपर वाले बालों को टाई कर लें और आप नीचे वाले बालों से स्टार्टिंग करें, फिर आप ऊपर वाले बालों में अपने कर्ल्स बनाना शुरू करें। आपको मैंने इसके वायर के बारे में तो बताया नहीं, इसकी वायर आपको 1 मीटर, आपको 1.5 मीटर के अराउंड में मिल जाती है, आप देख सकते हैं। तो आपको ये नहीं है कि इसमें आपको वायर छोटी मिलती है, आपको इसमें बहुत बड़ी वायर मिलती है, जो आप कहीं पे भी आपका स्विच प्लग है अब उसमें लगा सकते हैं। आप थोड़े थोड़े सेक्शन लेके अपने बालों को कर्ल्स करें। मुझे ये स्ट्रेटनिंग मशीन बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसको ले अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, किसी की वेडिंग में जाना है, अपने गेस्ट की किसी में, तो आपको ये नहीं है कि आपको स्ट्रेटनिंग मशीन अलग लेके जानी है और आपको कर्ल्स की मशीन अलग लेके जानी है। आप एक ही मशीन के अंदर अपने दोनों हेयर स्टाइल बना सकते हैं। आप स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हैं और आप कर्ल्स भी कर सकते हैं, और ये इतना ट्रैवल फ्रेंडली है इतना, तो आपको इसकी स्पेस की भी कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। आप इसको पूरे स्ट्रेटनिंग में अपने बाल ले सकते हैं। अगर आपको ऊपर तक अपने बाल कर्ल्स चाहिए, यहाँ तक, मुझे डाउन तक ही पसंद है तो मैं इसलिए डाउन तक कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने बालों को ऐसे स्ट्रेटनिंग पूरी लेके भी ऊपर तक कर्ल्स कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेटनिंग हीट होती है। और इसका एंगल आपको 360 डिग्री तक राउंड कर जाता है। आप अपने ऊपर वाले बालों को ओपन कर लीजिए एंड देन आप उसमें स्ट्रेटनिंग अपनी कर्ल्स बनाना शुरू कर लीजिए। या आपको एक वीडियो में आपको 2 वीडियो मिल सकते हैं। आपको मैंने कर्ल्स की वीडियो भी बता दी इसी में कि आप कैसे अपने बाल कर्ल्स कर सकते हैं विद स्ट्रेटनिंग। आप देख सकते हैं मैंने अपने बाल कर्ल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं।
आपको अगर नहीं भी हेयर स्टाइल आता है, आप ऐसे कर्ल्स कर लीजिए, आप अपने पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सी, और आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको चाहिए कि आप में वॉल्यूम आए, तो आप इनको ओपन कर लीजिए ऐसे अपनी फिंगर्स डाल के अपने हेयर में। तो मुझको तो ये हेयर स्ट्रेटनिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगी। आपको ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, आपने देखा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ओनली 672। यार कितना कम प्राइस होता है, लेकिन उससे भी कम में मिल जाती है आपको, 400 में मिल जाती है नाइका पे, या आपको अमेजोन पे मिल सकती है, आप किसी भी साइट पे जहाँ पे आपको कम प्राइस में। आप तो दिवाली आने वाली है, थोड़ी सेल आने वाली है, तो उसमें आपको हो सकता है और भी ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाए। तो अगर आप मेरी एडवाइस मानते, देखो मैं डेमो दूंगी, जब भी देती हूँ किसी भी प्रोडक्ट का मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियोस नहीं है, ये मैंने जो प्रोडक्ट लिए हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं वही मैं आपको वीडियो डाल देती हूँ। मुझे कोई स्पॉन्सर्स नहीं कर रहा है और ना ही मैं किसी कंपनी को कर रही हूँ, मैं बस अपना रिव्यू देती हूँ अबाउट दिस प्रोडक्ट जो मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे पास है, मैंने कहा चलो वीडियो बना ही लो तो बना दी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अपने प्रोडक्ट की रिव्यू वीडियो लेके आते चलूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आगे फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट लेना हो। उसके लिए आप एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। थैंक यू।